फ्रेंड्स, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल ज्योतिस आइडिया में। और आज हम बनाने वाले हैं मक्की की रोटियाँ। देखिए, आज के समय में मक्की की रोटी जो अपने मतलब दादी नानी बहुत आसानी से बना दिया करती थी, लेकिन आज हमारी बात आए तो हम लोगों से मक्की की रोटी घर पे नहीं बनती हैं, लेकिन पसंद हम सबको होती हैं। इसीलिए मैंने ढूंढा है ऐसा तरीका जिससे आप आसानी से मक्की की रोटियाँ घर पे बना सकते हैं, दूसरों को खिला सकते हैं। और मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगी जिससे आप रोटियां बना के रख दीजिए और बाद में आप गर्म करके दूसरों को सर्व करके भी खिला सकते हैं। और सच मानिए, रोटियां जो है देखिए बनेंगी इतनी नरम कि आप उसे लंच बॉक्स के अंदर भी लेके जा सकते हैं। तो हम आज बनाएंगे मक्की की रोटियां। दूसरा, मैं एक और बात बता रही थी, देखिए मक्की का आटा जो है येलो कलर का, सभी जानते हैं कि येलो कलर का आता है, लेकिन मेरे यहाँ मक्की का आटा, मैं उदयपुर में रहती हूँ और यहाँ एक वाइट मक्की भी चलती है, तो मेरे पास जो आटा है वो वाइट मक्की का है। आपके पास अगर येलो जो है आटा है तो आप येलो आटे से बनाएं। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि इसका आटा आपको किस तरीके से लगाना है। तो स्टेप वन से हम जो है शुरू करते हैं। मैंने लिया है पानी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आटा है जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक जो है वो मिला दिया है, और ये मैंने लिया है पानी। अब मैं धीरे धीरे इस तरीके से आटे को मिला लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी जो है मैं इसके अंदर डालती हूँ। इसका आटा ऐसा नहीं है कि आप 1-2 किलो एक साथ लगा लें, जितनी आपको रोटी बनानी है उतना ही आपको आटा लेना है। ये देखिए, आटे को शुरू से नरम करते हुए चलना है, एकदम कड़ा आटा हमको नहीं लगाना है। ये देखिए, पानी थोड़ा सा कम पड़ गया है, मैं देती हूँ थोड़ा सा और पानी। येलो वाला जो मक्का आता है उसकी रोटियाँ में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमारे यहाँ मेवाड़ में यही आटा आता है, तो मैं बनाऊँगी इसी से। आटे को थोड़ा सा मुझे नरम करते हुए चलना, मैंने पहले ही बताया, वरना जो रोटी के किनारे हैं वो एकदम फटेंगे। अब ये देखिए, एक डो एक बार इसका एक साथ हमें बनाना है। अगर आपको एक डो में ये नहीं आ रहा है तो आप एक और ले लीजिएगा और फिर इसके ऊपर कर देंगे। ये देखिए, अब इसको हमें क्या करना है, आटा जितना अच्छा लगेगा रोटियां भी उतनी अच्छी बनेंगी। ये देखिए, सारा आटा मैंने एक साथ किया और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर डाल रही हूँ पानी, हाथ से दूसरे से, ज़्यादा नहीं डालना है। और ये जो अपनी हथेली वाला पार्ट होता है इससे हमें इसको जो है लगाना है, इस तरीके से लेते जाएं। अभी भी आपको लग रहा है कि आटा मेरा जो है टाइट उठ रहा है, तो आप थोड़ा सा पानी इस समय डाल सकते हैं। ये देखिए, बिना आटे को नरम ही, ज़्यादा नरम भी नहीं, ज़्यादा वैसा भी नहीं, नॉर्मल रोटी के लिए जो आटा लगाते हैं उसी तरीके का आटा, क्योंकि ये थोड़ा मोटा होता है तो वैसा तो नहीं लग सकता जैसे नॉर्मल रोटी का होता है, उसकी रोटी इतनी आसानी से बनेंगी भी नहीं। ये तैयार है हमारा आटा, इसको थोड़ा चिकना कर लेते हैं, उसका हाथ में यूज करेंगे इसको चिकना करने के लिए। ये देखिए, एकदम चिकना लोहा मैंने एकदम बना लिया। हाँ देखिए फ्रेंड, मैंने तवा गर्म करने रख दिया है और अब मैं जो है रोटी बनाने की तैयारी करती हूँ। जी हाँ, चकले से, क्योंकि हाथ से तो मेरे से भी नहीं बनानी आती है, और जिन लोगों को हाथ से बनानी नहीं आती है, ये एक मौजामा है, आप कोई नमक की थैली या शक्कर का थैली भी ले सकते हैं। इस तरीके से थैली को मैंने पूरा कट करके चौकोर कर लिया है और इसको कर लिया है साफ। अब हम करेंगे आटे की लोई को इस तरीके से गोल, और इस थैली के ऊपर हम रख देंगे और थोड़ा सा हाथ से
भी प्रेस करते हुए आप बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक और तरीका है। ये स्पेस तवा का ध्यान रखें, तवा ज़्यादा ना गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा, और इस तरीके से पलट पलट के थैली को उठा कर हम जो है ये रोटी बना लेंगे, किनारों को एक साथ कर लेंगे। और ये देखिए आसानी से ये छूट चुका है और ये रोटी हमारे हाथ पे इजीली आ चुकी है। और ये देखिए है ना मज़ेदार तरीका। आई थिंक अब सब मक्की की रोटियाँ जो है वो बना पाएंगे इस तरीके से। और अब मैं कर देती हूँ गैस को तेज, लोहे को आप जितना ज़्यादा चिकनाएंगे उतना ज़्यादा रोटी जो है, और देखिए कितना बड़ी रोटी बनी है। बाकी हाथ से हम बनाते हैं तो ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बन पाती है। और इस तरीके से इसको भी आप पानी लगाना चाहें तो थोड़ा सा पानी भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, तो बिना लगाए भी इजीली बन रही है। वैसे वही प्रोसेस करेंगे वापस हम जो है करेंगे इसको। ये मैंने थैली जो नॉर्मल हमारा सब्जी वगैरह आती है वही थैली मैंने इसमें यूज़ किया है। तो अब आप ले सकते हैं मक्की की रोटियों का टेस्ट बहुत अच्छे से। और ये सिकने में थोड़ा सा, ये देखिए आसानी से वह नाइस प्रोसेस। ठीक है, अब बाकी का आटा जब तक ये हो रही है मैं इसकी बाकी की लोई जो है बना लेते हैं। और इस आटे का एक है कि ये पानी जो है वो सब करता है, तो ये जो है धीरे धीरे टाइट हो जाता है, तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं बिना पानी वाली रोटी बना रही हूँ तो नहीं किया। ये देखिए आसानी से ये पलटने में भी आ रही है। और ये तवा मैंने रखा, रोटी उठाई, मध्य मध्य गैस पे हमको ये सेकना है। और तब तक हम तवे पे डाल देते हैं ये दूसरी रोटी। तो है ना आसान तरीका, आप खुद भी खा सकते हैं और दूसरों को भी खिला सकते हैं मक्की की रोटियां। और घी के साथ इसको आप गर्मा गर्म जो है परोसें, बहुत टेस्टी बनती है। तो आई होप आज का ये वीडियो, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं आपको मक्की की रोटियां बना के बताऊं, तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने बनाई। और मुझे लग रहा है आपको शायद पसंद आया होगा मेरा तरीका, तो आप इस तरीके से मक्की की रोटियां बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनेंगी और आसानी से बन जाएंगी। जो चुपकने करने वाला प्रोसेस होता है वो भी नहीं होगा। ये देखिए और बहुत कुरकुरी और बहुत अच्छी बनती है ये। इसको आप आलू टमाटर की सब्जी के साथ, उड़द चने की दाल के साथ, मूंग दाल के साथ, कड़ी के साथ जो है खा सकते हैं। और ठंड के दिनों में हरी सब्जी जो होती है अपनी उसके साथ आप जो है इसको खा सकते हैं। तो ये देखिए बनी है ना लाजवाब, फटाफट मिनटों में। तो बनाते हैं इसी प्रोसेस से सारी रोटियां। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।